से लोगों को काम किया, सब तरह से लोगों के लिए हम लोगों ने काम किया। जो आपको बता दिए कि जब यहाँ पर कोई भी चीज नहीं था, लोग निकल नहीं पाते थे, हम लोगों ने इतनी सुविधाएं उन लोगों को की कि वो सब अब काफी अच्छे ढंग से, कितना देर शाम तक रात तक निकलते हैं लोग, जरा बताइए। आप तो 18वां साल हम लोगों का है जी, 18 साल का जो बच्चा सब है वो सबको बताइएगा, ऐसा ना हो कि न बताइएगा, इस साल से वोटर भी अब हो रहा है। तो याद करिए, एक एक चीज को बताइए कि पहले क्या बुरा हाल था और आज कितना सुविधा हुई है, तो एक चीज बताना बहुत जरूरी है। उन लोगों के समय में तो कोई काम था नहीं, उन लोग तो ऐसे ही धंधा करते रहते थे, तो इसीलिए इन सब चीजों का ध्यान रखना है। और आप समझ लीजिए, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में सब हम लोग पूरे तौर पर काम करवा रहे हैं। और आप जानते हैं हमने सबके उत्थान के लिए काम किया, महिलाओं के लिए कितना किया हम लोगों ने। जब हम लोग आए थे 2005 में, तो 2006 में हम लोगों ने चुनाव कराया पंचायत, और जब पंचायत का चुनाव कराया तो हम लोगों ने महिलाओं के लिए 50% हमने आरक्षित कर दिया। अब आप जानते हैं उसके होता था, और हम लोग काम कर रहे थे, और उस समय तक केंद्र में सरकार में कांग्रेसिया और दूसरे लोग थे, तो हम लोग तो ये सब काम करवाए थे। तो ये लोग कोई काम किया है, हम लोग जो समूचा काम किए, महिलाओं को जितना ज्यादा हम लोगों ने किया, और कितना ज्यादा पढ़ाई का काम किया, लड़के लड़कियों के पढ़ाई का काम, और सब तरह से सब लोगों की सुविधा हम लोगों ने करवाया, और किस तरह से करवाया, हर प्रकार से। आप जानते हैं कि आप और पंचायतों में तो अब हम लोग उच्च माध्यमिक विद्यालय भी तब करा दिया, और जो महिलाएं इंटर पास करती है उसको 25,000 देते हैं, और स्नातक पास करती है उसको 50,000 रुपया देते हैं। तो हम लोग तो इतना दे करके, अब बहुत कम महिलाएं पढ़ती, चाहे कोई जात का हो, कोई किसी को ध्यान नहीं था। लेकिन जब हम लोगों ने कहा कि लड़का और लड़की, भाई हम लोग पैदा कहाँ हुए, सब यहाँ पर जो पुरुष है उधर महिलाएं हैं, तो कोई लड़का पैदा कर सकता है, माँ ही न पैदा करती है जी। तो महिलाओं के लिए तो और ध्यान न देना चाहिए कि लड़का लड़की को पैदा करती है, तो उसके लिए कोई काम नहीं। तो हम लोगों ने कितना काम किया कि महिलाओं का कितना उत्थान हो, तो कितना ज्यादा उत्थान हो गया, और हर प्रकार से सब लोगों को काम। और यही नहीं, आप जानते हैं कि हम लोगों ने कितना ज्यादा समाज किया। आप समझते हैं कि जो स्वयं सहायता समूह था, अब हम लोग केंद्र में थे, एमपी भी थे, इधर उधर घूमते थे तो देखते थे स्वयं सहायता समूह तो महिलाओं के लिए ही था, तो दूसरे राज्यों में महिलाएं रहती थी। लेकिन जब हम लोग 5 में आए, अब बिहार में घूमते रहे, देखे, हम कहे कि भाई जो यहाँ स्वयं सहायता समूह है उसमें बहुत कम महिलाएं, तब हम लोगों ने क्या किया, हमने कहा ठीक नहीं है, उसकी संख्या हम खूब बढ़ाएंगे। तो हमने वर्ल्ड बैंक से कर्ज लेकर के स्वयं सहायता समूह का पूरा विस्तार करवाया। जवाहर है आपके आयपुर केसरिया का जो खेल, यहाँ जो केसरिया विधानसभा क्षेत्र में, तो यहाँ पर भी कितना हुआ, स्वास्थ्य के क्षेत्र में तकनीकी शिक्षण संस्थाओं का निर्माण, पथों और पुलों का निर्माण, बिजली के क्षेत्र में काम, केसरिया स्तूप के आसपास पर्यटन सुविधाओं का विकास, सब कुछ काम किया गया। तो और साथ ही केसरिया स्तूप के पास नए पर्यटन सुविधा केंद्र का निर्माण शुरू किया जा रहा है। तो एक एक तरह से हम लोग काम कर रहे हैं, और आपको इतना ही कहेंगे कि आप उनको जो जिताइएगा राधा मोहन सिंह जी को, सही तो सब बसवा जानवे न करते हैं जी, जीता आपको जहाँ कोई कमी रहेगा तो उसके लिए कहीं कहवे न करते हैं, और एक एक काम हो जाएगा, कोई चीज की कमी नहीं रहेगी। और हम लोग तो शुरू से न काम करते हैं, और हम लोगों को जानते नहीं है कि हम तो शुरू से, जीता आप ही के है ना, पश्चिमी या पूर्वी दो हिस्सा में बट गया, हम तो यही ना आते हैं, हम पहले में ना आकर के घूमते हैं, सब जगह ज्यादा करके एक चीज को देखते हैं, क्योंकि इसका सीधा संबंध राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का, तो इसीलिए एक एक तरह से और सब तरह से आपका काम जहां कहीं भी करना हम लोग छोड़ेंगे नहीं, पूरा विकास का काम होता रहेगा।
हम लोग इतना ही आपको कहेंगे। और एक बात हम आपको कहेंगे, हम लोगों की तो पूरी इच्छा कि 40 सीट हम लोगों का, हम लोग 40 सीट जीत जाए और देश भर में 400 से भी ज्यादा सीट जीत जाए और फिर से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को फिर से वो प्रधानमंत्री बने। और तो काम कर ही रहे और आगे काम करेंगे, अब बिहार और देश का भी विकास होगा। तो हम लोग तो यही आग्रह करने आए हैं आप सब लोगों को कि भाई राधा मोहन सिंह जी को भारी मतों से जिताइएगा। हिंदू मुस्लिम का झगड़ा करता था, हम ही लोग ने झगड़ा को बंद कर दिए, हम ही लोग भाजपा एक साथ आए थे जी। 16 के बाद से हम लोग तो, मैंने 6 के बाद से ही हम लोग तो कोई झगड़ा नहीं होने दिया। आई लोग क्या काम करता था, अभी वोट लेता है और खिलाफ बोलता है। मुस्लिम लोगों को कहेंगे भी याद करिए कि आपको कौन काम करता था, मदरसा आप बताइए तो कभी भी मिलता था, कोई सरकारी मान्यता थी इसके लिए आंदोलन करते थे। हम लोग जैसे ही आए, हम लोग एक साथ थे तो हम लोगों ने उनको मान्यता दे दिया और कितना हम लोगों ने आगे बढ़ाया। और उसके अलावे कब्रिस्तान की कोई घेराबंदी नहीं थी, हिंदू मुस्लिम के इलाके में उनकी कब्रिस्तान बड़ा दिक्कत होता था और हम लोगों ने उन लोगों से बातचीत करके और उनको हम लोगों ने 8,000 से ज्यादा का घेराबंदी करा दिया। और उसके बाद फिर मिला है 1,000 और उसका भी काम हम करवा रहे हैं। आप बताइए इन लोगों का तो हम लोग इतना काम करते हैं तो हम लोग तो कभी झगड़ा नहीं होने दिए। अब बाद में तो आपस में कभी करते थे जी, आज झगड़ा करते थे तो कोई काम करते थे, हम भी लोग आए ना तो झगड़ा था और उसी को दूर करने के लिए हम लोगों ने सब काम करवाए। नहीं लोग कोई काम है जी, ये तो झूठ मूठ बोलता है। तो इसलिए मुस्लिम समुदाय के लोगों को भी समझना चाहिए कि अभी जो बिहार में हम लोग एक साथ होकर के और वो लोग कभी आया है, उन सब नहीं कभी हमारे इस काम में रहा, ये सब काम हम और भाजपा के तभी किए। तो इसीलिए हम यही कहेंगे कि एक एक चीज पर ध्यान दीजिए और कोई काम इन लोगों ने नहीं किया। अब आप सोच लीजिए कि हम लोगों ने कितना कितना काम कर दिया। संजय झा जी को रहते थे मीटिंगवा में तो हम सब सखी को हर बार बोल करते आज बोले, जब उन लोग जब साथे था तो हम कहेंगे देखिए हम लोगों ने करा दिया जातीय आधारित गणना पूरे देश में कराइए, नहीं किया। अब आपकर बोलता है कि जातीय आधारित गणना कराएंगे, अरे जातीय आधारित गणना तो हम लोग ने मिलकर के बिहार में करवाए और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पिछड़ा अति पिछड़ा उनकी संख्या बढ़ी तो 50% से आगे बढ़ा करके हम लोगों ने 65% कर दिया। तो एक एक तरह से हम लोग काम कर रहे हैं और खाली हम लोग जाति आधारित गणना हम नहीं कराए, हम लोगों ने उसके साथ ये भी तय किया था कि सबकी आर्थिक स्थिति देखेंगे, कोई भी जात का हो, अपर कास्ट हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई है, सबका किया गया और देखा गया कि हर जाति के 94 लाख गरीब परिवार है। आप जरा सोच लीजिए, ऐसे ही बोलता है, अंदर चोरी कर लेता था कोई चीज को, तो इसी के लिए हम लोग उसका भी काम कर रहे थे। सबके हित में काम करते हैं हम लोग, एक एक काम करते हैं। और आप जानते ही रहे कि हम लोग जब साफ सुथरे से किया तो हर घर बिजली पहुंचाता, हर घर नल का जल पहुंचा दिया, हर घर शौचालय पहुंचा दिया, एक एक काम कर दिया। और कितना हम लोग सरकारी नौकरी दिए जी, 2005 से 20 में 8 लाख लोगों को हम लोगों ने सरकारी नौकरी दिया, लाखों लोगों को रोजगार दिया। और 2020 में जो हम लोग एक साथ थे तो हम लोगों ने तय किया, अभी बोल रहे थे हमारे मुख्यमंत्री जी बता रहे थे अपना, ये बोल रहे थे कि हम लोगों ने 10 लाख के लिए जो काम शुरू किया, 4 लाख हो गया, 1 लाख जो अभी होने वाला है, 3 लाख पर चल रहा और अगले साल के अंत के पहले तो हम लोग 10 लाख का कर देंगे। अब 5 लाख का रोजगार भी अभी तक भी हो गया। तो एक एक काम हम लोग कर रहे हैं, सबके हित में काम कर रहे हैं। आई लोग आज तक कभी किया था जी, तो कौन जात पात के चक्कर में इधर उधर लोग जो कर रहा है, कोई काम है इन लोगों का, कभी कोई आइडिया है इन लोगों को, कोई ज्ञान है क्या होना चाहिए? और सब काम हम लोग करवाए हैं तो इसीलिए ये लोग तो जब भी कभी मौका मिला है तो उन लोगों पर सब मामला चलिए रहा है सारा सब। हम लोग इतना दिन से काम किए हैं तो हम लोगों पर कोई चार्ज जी,
तो हम लोग तो सबके हित में काम करते हैं, इसलिए इस बात को हम कह रहे हैं। और उसके अलावा हम आपको ये भी कह देना चाहते हैं कि भाई जाति आधारित गन्ना भी हम लोग करवाए, हम ही लोग करवाए। ये कांग्रेसिया कौन सी बोलता है, वो क्या कराया है जाति? अरे जरा बताइए तो कै गो बाल बच्चा पैदा किया? बेटिए हो रही थी तो बेटवा नहीं हो रहा था तो और ज्यादा पैदा करते रहा था। उसको बेटा आप किसको किया है, अब हट गया तो बीवी को बनवा दिया गया। और उसका बेटा बेटी सबको कितना बढ़ाया, ये कोई मतलब है था? और हम लोगों को देखिए कि हम लोग इतने दिनों से हैं, हम लोग कोई अपने परिवार का कोई बात करते हैं, हम लोग तो पूरा बिहार एक परिवार है और सब चीज करते हैं। इसलिए ऐसे लोगों के प्रति ध्यान रखिए, ये कोई काम नहीं करने वाले। तो हम लोगों ने तो एक एक तरह से इन सब लोगों के लिए पूरे तौर पर भी किया और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी कितना काम कर दिया। आप जानते हैं ना कि पहले तो बहुत मुश्किल था, तो 2006 से हम लोगों ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर की उपस्थिति करवाई और वहां मुफ्त दवा दिया। पहले कोई मुफ्त दवा नहीं देता था, तो कौन काम करता था जी? आजकल सब काम हम लोग किए, तो इसको भूलना नहीं चाहिए। काम यही हुआ है, पहले कोई काम नहीं था। अब बीच में तो हम ही हमारी ही गलती थी कि दो बार हम उन लोगों को थोड़ा थोड़ा साथ दे दिए, बाद में जब गड़बड़ देखते थे तो हटा दिए। और इस बार भी जो हम गए साथ तो हम देखा कि तो हम कह रहे थे कि सब काम होगा, 10 लाख की बहाली है, ये होगा, और शुरू देखा कि हो रहा था अपना गड़बड़ सब कुछ नहीं जानता था, हम लोग छोड़ दिए। अब कभी हम नहीं जाएंगे, 1995 से हम लोग एक साथ, इसलिए हम लोग भाजपा के साथ ही रहेंगे सब दिन, कभी अब इधर उधर नहीं। इसीलिए एक एक काम, और कितना काम होता है बताइए। आप जानते हैं कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी देश के हित में कितना काम कर रहे हैं, और यहाँ पर भी आते हैं और राज्यों के मदद के लिए बात करते हैं।